दोस्तों आज के इस डिजिटल दौर में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सभी जगह फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग साइज के फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड के लिए एक अलग साइज का फोटोग्राफ, और ऑनलाइन अगर किसी भी तरह का कोई आवेदन करते हैं तो वहां पे साइज लिमिट वाला फोटोग्राफ। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसी भी तरह का फोटोग्राफ, किसी भी साइज का फोटोग्राफ, किसी भी कंट्री के लिए फोटोग्राफ आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे बैठे कैसे बना सकते हैं। और अगर आपके पास प्रिंटर भी है तो आप घर से ही अपने मोबाइल फोन से ही प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और यह सारा कुछ डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने फोन का प्ले स्टोर ऐप एंड देन हम यहां पे सर्च करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो एडिटर ऐप। तो इसमें जो थर्ड वाला ऐप है पासपोर्ट साइज फोटो एडिटर, इसे ओपन करेंगे एंड इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दे रहा है तो ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर टॉप में पासपोर्ट फोटो एडिटर लिख रहा है, वर्ल्ड्स नंबर वन पासपोर्ट फोटो ऐप। नीचे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके हम इस ऐप को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्क्रीन पर चार ऑप्शंस मिल जाते हैं, न्यू फोटो, माई फोटोज, फोटोग्राफर्स गाइड, हेल्प एंड सपोर्ट। तो चलिए न्यू फोटो पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हमें अलग अलग कंट्री का फोटो का जो साइज है वो हमें देखने को मिलता है। तो हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया। तो इंडिया सर्च करते ही यहाँ पे इंडिया में जिस तरह के फोटो साइज यूज होता है उसका सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि स्टाम्प साइज, पैन कार्ड साइज, FRRO, वीज़ा या फिर इंडिया पासपोर्ट। तो चलिए पासपोर्ट वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड 300 DPI रहने देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, देन अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे नीचे में हमें दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक या तो हम कैमरा से फोटो क्लिक करके यहाँ पे यूज़ कर लें, दूसरा हमारे फ़ोन में अगर फ़ोटो सेव्ड है तो गैलरी में जा करके हम वहाँ से फ़ोटो उठा सकते हैं। फोटोग्राफर्स गाइड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा एक गाइड दिया हुआ है कि किस एंगल में आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया हुआ है। तो चलिए हम गैलरी का ही कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फ़ोटो मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक मिरर का ऑप्शन मिलता है, दूसरा ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है एंड तीसरा रोटेट का ऑप्शन मिलता है। तो हम अपने हिसाब से इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। देन हम ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस फोटो में कुछ अननेसेसरी बैकग्राउंड्स है, उसे हम क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए क्रॉप बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये क्रॉप हो गया है, अगर हम इसे चाहें तो थोड़ा सा बड़ा साइज में भी क्रॉप कर सकते हैं और इसके लिए हम जस्ट ये जो कॉर्नर है कॉर्नर पे क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से हम चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा साइज भी कर सकते हैं और चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देन क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो क्रॉप हो गया है। यहाँ पर हम चाहें तो कलर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ाना हो गया तो ब्राइटनेस घटाना बढ़ाने का काम कर सकते हैं, कंट्रास्ट, एक्सपोजर और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, सैचुरेशंस और टेम्परेचर्स। तो चलिए हम इसे चूंकि ओरिजिनल मोड में ही रखना चाहते हैं तो हमने रीसेट कर दिया, ये हमारा ओरिजिनल पिक्चर है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना है, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बैकग्राउंड रिमूवर, तो हम इसे स्कीप कर देंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है। अब देखिए ये फाइनली हमारा पिक्चर यहाँ पे रेडी हो गया है, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले फाइल नेम हम यहाँ पे इंटर करेंगे, तो चलिए यहाँ पे फाइल नेम इंटर कर दिया। देन यहाँ पे फाइल टाइप पूछ रहा है कि JPEG में या PNG में करना चाहते हैं, तो JPEG में ठीक है। फाइल साइज यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितना रखना चाहते हैं, तो अगर कोई फाइल साइज का कंडीशन है, खास करके ऑनलाइन में रिक्वायरमेंट होता है कि अंडर 50 KBPS हो, अंडर 100 KBPS हो या अंडर 150 KBPS हो, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हम इसे मैक्सिमम कर देंगे तो ये मैक्सिमम फाइल साइज जो बन जाएगा वो होगा 4.59 MB का, और
जितना ज़्यादा मैक्सिमम फाइल साइज आप रखेंगे उतना बेहतरीन क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का ये पिक्चर बन करके आपके फ़ोन में सेव होगा। तो चलिए हम इसे ज़्यादा नहीं 80% पर रखते हैं एंड सेव पर क्लिक करेंगे। तो ये फोटो हमारे फ़ोन में सेव हो गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़। अब मान लीजिए कि हमें प्रिंट करना है, एक मान लीजिए A4 साइज़ का पेपर है और उसमें हमें प्रिंट करना है, तो जाहिर सी बात है कि A4 साइज़ के पेपर में एक फ़ोटो तो प्रिंट नहीं करेंगे। तो चलिए हम A4 साइज़ में कितने फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें पेपर का साइज सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो A4 होता है, जो यूजुअली यूज होता है, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 36 कॉपीज़ यानी कि टोटल 36 फोटोग्राफ्स इस एक पेज पर प्रिंट होंगे। और हम चाहे तो यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि 36 है हम इसे चाहे तो कुछ कम कर दें, इस तरह से हम चाहे तो गैप को भी घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है इस तरह से, ठीक है। हम चाहे तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करने का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। देन हम सेव पर क्लिक करेंगे, सेव फोटो। फिनिश पर क्लिक करेंगे। देन ये बीच बीच में एड्स आता रहेगा, इसलिए क्योंकि ये फ्री ऐप है तो हमें तो एटलीस्ट इतना फेस करना पड़ेगा। अब यहां पर देखेंगे माई फोटोज आ चुका है, ये हमारा फोटो है। और अगर हम चाहें तो इसे यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं, ये प्रिंट फोटो का ऑप्शन हमें यहां पर मिल जाता है। अब प्रिंट करने के लिए हमारे फ़ोन में हमारा जो प्रिंटर है, जिस मॉडल का, जिस कंपनी का प्रिंटर है, उसका ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी होगा, तभी हम यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई प्रिंटर अभी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से कोई प्रिंट कमांड दे करके नहीं दिखाने वाले। लेकिन आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ से हम अपना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें सारे प्रिंटर दिखाएगा, अगर इंस्टॉल्ड होगा तो हमारे फ़ोन में, और नहीं होगा तो सिर्फ PDF यहाँ पे दिखाएगा, सेव एज PDF। तो हम चाहें तो PDF में भी सेव कर सकते हैं। पेपर साइज यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपीज़, कलर, टू साइडेड, तो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो पेपर साइज जो होता है वो ISO A4 सेलेक्ट करके हम चाहें तो PDF में भी इसे सेव करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। ये सेव हो गया। हम चाहें तो इस पूरे फोटोग्राफ को किसी के साथ WhatsApp या Telegram पे शेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्लिक करेंगे शेयर पे, और यहाँ से हम चूज़ करके, चाहे WhatsApp पे तो WhatsApp पे क्लिक करके उस यूज़र को सर्च करके हम आसानी से भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फोटोग्राफ को ऑनलाइन या ऑफलाइन यूज़ करने के लिए पासपोर्ट साइज का, स्टाम्प साइज का, या फिर किसी भी साइज का, किसी भी कंट्री के लिए इस ऐप को यूज करके आसानी से अपने मोबाइल फोन पर ही बना सकते हैं। तो आप चलिए आज कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आपका अपना YouTube चैनल टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।